क्लास सिक्स फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर सेवन इंट्रोडक्शन ऑफ अल्जिब्रा एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू चलिए फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आपको इतना इजी लगेगा और इतना इंजॉय होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सर कब खत्म हो गया समझ में नहीं आया चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द साइड ऑफ एन इक्ुलेटर ट्रैंगल ये बना हुआ है इक्ुलेटर ट्रेंगल विच साइड्स आर इक्वल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उसे इक्वेटर ट्रेंगल कहते हैं इस सो आप एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्लेटर ट्रेंगल अरे पहले आप ये तो बताइए सॉल्व बाद में करिएगा चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं ये आपका सॉल्व फर्स्ट पहले हम ये तो जान लें कि पैरामीटर होता क्या है उसके बाद हम एक्सप्लेन करें व्हाट इज पैरेमीटर ये जो बात बोली गई है क्या पैरामीटर का मतलब होता है कि कोई भी इस पूरे यूनिवर्स में चाहे वो आप ही क्यों ना हो ये बुक क्यों ना हो ये पेन क्यों ना हो कुछ भी हो उसके सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए वही पैरामीटर कहलाता है ठीक है कोई भी ऐसा नहीं कि ट्रेंगल है तो इसके अलग रूल्स होंगे एक्जाकॉन है तो अलग ऑक्टाकॉन है तो अलग रूल्स होंगे क्यूबाइड है तो अलग नहीं 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 सबके एक ही रूल्स होते हैं पैरामीटर एक ही होता है अगर आपसे कोई पूछे पैरामीटर आप रेक्टेंगल कोई फार्मूला नहीं होता मैथ में इसका कोई फार्मूला होता ही नहीं है ठीक है वो सिर्फ सेटअप किया गया है तो पैरामीटर क्या होता है द सम ऑफ द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल साइड्स या फिर आप ये बोल सकते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ अ पॉलीगॉन पॉलीगॉन मतलब पालीगान जो हमारे पास कोई भी डायग्राम हो उसे पालीगान बोल सकते हैं ठीक है इस कॉल्ड पैरे मीटर पैरीमीटर सिंपल सा लैंग्वेज क्लियर अब आप ये बताएं हम यहाँ पे एक इक्ुलेटर ट्रायंगल ले लेते हैं जैसा कि फर्स्ट नंबर में बोला गया ये हमने एक इक्वलेटर ट्रायंगल लिया डायग्राम ज़रूर बनाएं उससे हमारा एक हैविटिटी बनती है और हमें एक्सप्लेन भी बेस्ट होता है ए भाई श्योर है कि इक्विलेटरल मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल होंगे कहने का मिनस अगर ये फाइव सेंटीमीटर है तो ये फाइव होगा ये भी फाइव होगा और अभी हमने आपसे क्या बात किया कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बताना है तो पेरिमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसे नेम भी दे देते हैं इसमें नेम नहीं है हम नेम दे देते हैं ए बी सी ट्रैंगल ए बी सी तो अभी हमने आपसे क्या बताया पेरीमीटर किसे बोलते हैं सब साइड को ऐड कर दीजिए तो पैरीमीटर क्या हो गया ए बी एक साइड हुआ फर्स्ट प्लस सेकेंड साइड बी सी थर्ड साइड सी से ए अब बताइए ए बी कितना है एक ए है तो श्योर है हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इक्वलेटल में सभी साइड्स इक्वल होते हैं अगर ये ए है तो ये भी ए होगा ये भी ए होगा और याद रखिएगा वेरिएबल तभी ऐड होते हैं ये वेरिएबल है आपके सामने वेरिएबल तभी ऐड होंगे जब एकदम फोटो कॉपी दिखे अगर ए है तो ए से ही ऐड होगा बी है तो बी से ही ऐड होगा ये बात याद रखिएगा ठीक है और भी एड क्या होते हैं इनके आगे एक कॉफिसियंट होता है क्या होता है कॉफिसियंट अगर ना हो वहां वन होता है ये भी याद रखिएगा क्या होता है वन तो ये जो वन वन है ये ऐड होते हैं ये भी याद रखिएगा तो यानी वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री तो थ्री ए जैसे आपसे कोई बोले कि ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया थ्री ए कैसे हुआ तो आप बोलिए उनके कॉफिसियंट ऐड होते हैं इसे क्या बोलते हैं कॉफिसियंट क्या बोलते हैं कॉफिशेंट तो इसका पैरामीटर क्या निकल गया थ्री ए अब देखिए कोई साइड नहीं दिया है दिया है कि नहीं दिया नहीं दिया है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप थ्री ए से और बेस्ट अगर आंसर अच्छा लिखना चाहते हैं तो यहाँ यूनिट्स कर दीजिएगा जब भी कभी भी अगर साइड्स ना दिया हो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी ना दिया हो तो वहाँ यूनिट्स बोलिएगा जबकि आपके आंसर सीट में थ्री ए बस लिखा है तो आप यूनिट जरूर लिखिएगा क्यों क्योंकि क्यों हम क्यों ट्रैंगल अगर कोई भी डायग्राम का करते हैं तो अगर ना दिया हो तो वहां यूनिट्स का यूज करते हैं इसको जरूर लिखिएगा आपके टीचर्स बहुत इंप्रेस होंगे याद रखिएगा नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड द साइड ऑफ रेगुलर रेगुलर का पहले मतलब समझिए फिर उसके बाद ऑक्टागोन में चलते हैं ठीक है रेगुलर मतलब होता है इक्वल साइड्स और ये रेगुलर कब यूज होता है ट्रेंगल क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागॉन, हेक्सागॉन, एप्टागॉन ऑक्टा नोनेगॉन डेकागॉन, ये बात याद रखिएगा ठीक है।, है हम वो नेम भी लिख देते हैं सेकंड नंबर बाद में करेंगे रेगुलर मतलब होता है इक्वल यानी अगर कोई भी पॉलीगॉन है तो रेगुलर अगर है तो उसका मतलब है कि सभी साइड्स उसके क्या है इक्वल है उसे हम रेगुलर बोलते हैं ये इसका मतलब हो ऑप्टागोन इसका ही मतलब आपको बता देते हैं अगर आपके पास एक लाइन है तो लाइन ही उसे बोलते हैं लाइन या लाइन सिगमेंट अगर थ्री पॉइंट है तो ट्रेंगल आपके सामने है थ्री टाइप सिक्स टाइप्स ऑफ ट्रेंगल होते हैं बेस्ड ऑन साइड बेस्ड ऑन एंगल उसके बाद क्वाड्रिलेटरल फोर साइड से क्वाड्रिलेटरल बनते हैं और जब फाइव साइड्स हो तो फाइव साइड्स को बोलते हैं पेंटागौन क्या बोलते हैं पेंटागौन सिक्स साइड हो तो हैग्जागौन क्या बोलते हैं यहाँ गॉन कर लीजिएगा एक्सागोन सेवन को एप्टागोन ठीक है उसके बाद एट को ऑक्टागोन ऑक्टा या नाइन को नोनेगोन नोने, गौन। नोने गौन। और टेन को डे जिसके टेन साइड्स होंगे तो ये तो हुआ डेफिनेशन इसका अब बात करते हैं ऑक्टागोन तो चलिए अब आपको समझ में आ गई बात तो ऑक्टागोन मतलब एट साइड तो एट साइड कर लेते हैं अब यहां से आपका सोल्यूशन हुआ सेकेंड या हमारा बेस बेसिक हुआ अब ऑक्टा बनाते हैं काउंट करिए ए सी डी ई एफ जी एच टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट साइड हुई अब यहाँ है अब देखिए यहां पे साइड क्या दिए सभी एक्स है जैसे इसमें A दिया था इसमें एक्स दे दिया और क्या फाइंड करना हमको पैरामीटर सेम जैसे पैरामीटर तो फाइंड करना है तो इनके सभी साइड्स क्या है एक्स हैं ऐसे हैं तो अब आप सेकंड में आप लिखिए सॉल्व में कि पैरिमीटर ऑफ रेगुलर रेगुलर जरूर लिखिएगा ऑक्टागोन ये है आपका ऑक्टागोन ठीक है तो पैरामीटर का हमने क्या फार्मूला आपको बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स तो आप कहाँ से स्टार्ट करना पसंद करेंगे ऐसे तो पहले लिखिए ए बी फिर उसके बाद बी सी फिर सी ए सी डी सॉरी प्लस डी ई फिर ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच, एच ए एस से ए भी है काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और सभी एक्स हैं कोई चेंजेस नहीं क्योंकि सभी के साइड्स रेगुलर हैं भाई तो सभी सेम होंगे आप एट टाइम एक्स लिख दीजिए बस ये फोर हुआ ये फोर हुआ और अब भी हमने लास्ट में आपको बताया कि कॉफिशियंट ऐड होते हैं कॉफिसियंट क्या होते हैं ये ठीक है ये सभी में वन वन है श्योर है वन एट टाइम्स होगा तो वन वन को एट टाइम्स अगर ऐड करेंगे अगर आप और फुल डिटेल चाहते हैं तो एक्स कॉमन ले लीजिए अगर फुल डिटेल और फुल डिटेल जानना है तो वन प्लस 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 वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो वन वन कितने हो गए आपके एट एक्स ये आपका आंसर हुआ और यहाँ यूनिट्स लिख लीजिए और आपको अगर ये नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा आप डायरेक्टली ए भी लिख सकते हैं वो आपके लिए हमने फुल डिटेल किया अगर आपको एक एक बारीक जानना है तो उसके लिए हमने एक्सप्लेन किया नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इट्स अ वेरी इजी वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन द बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल पहले ये तो जान लीजिए आइसोसेलस ट्रायंगल है क्या आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है भाई आइसो सेलस ट्रेंगल विच है ओनली टू साइड्स आर इक्वल ओनली टू साइड आर इक्वल जिसके केवल दो ही साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलस्ट्रैंगल बोलते हैं चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यह हमने एक ट्रैंगल बनाया और इसे हम बोल देते हैं कि ये दोनों इक्वल है ठीक है भाई दो साइड्स इक्वल होते हैं और ये क्लियर पहले से बता दिया बेस बेस मतलब होता है जमीन या सरफेस आप बोल सकते हैं जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं सरफेस है तो बेस मतलब जमीन की बात है उसका लेंथ कितना दिया है फाइव सेंटीमीटर तो यहां पे आप फाइव कर लीजिए सिंपल ठीक है लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल अब वही बात हो गई ये दोनों साइड्स इक्वल है अब यहां बोला गया है साफ हम अपने से नहीं ले सकते खुद ही बोला गया अगर न दिया होता तो फिर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते डिनोटेड बाय एस एस से इसे डिनोट कर लीजिए अब ये सेम दिख रहा है फाइव फाइव तो इसे थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर लें जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर रहे एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ द ट्रेंगल इन द टर्म ऑफ एस ठीक है पैरामीटर निकाल दीजिए तो ये हो गया आपका पैरामीटर ऑफ आईसो ट्रेंगल, ट्रेंगल इसे नेम भी दे देते हैं ए बी सी ए बी सी चलिए तो ये तो क्लियर है फर्स्ट नंबर के जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अब ए बी का लेंथ कितना है एस प्लस बी सी क्या है फाइव प्लस सी ए क्या है एस अब भी हमने आपसे बताया कि वेरिएबल वेरिए वैदिये, अपने ही कास्ट से ऐड होंगे ए है तो ए से ऐड होगा बी है तो बी से ऐड होगा तो भाई एस भी एस से ऐड होगा और भी ऐड क्या होते हैं उनके कॉफिशियंट उनके आगे वन होता है ये वन और वन ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टू एस और प्लस फाइव फाइव का डिजाइन हम चेंज कर देते हैं ये सिंपल अब ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते कभी भी नहीं क्यों ध्यान दीजिएगा वेरिएबल वेरिएबल से ऐड होगा अगर टू ए है तो थ्री ए ए से बिल्कुल ऐड हो जाएगा ये ऑफिशियट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें टू ए प्लस थ्री बी तो यहाँ ए है यहाँ क्या है बी है ये कभी भी ऐड नहीं होंगे और ये आपके ऐड हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे फाइव ए तो याद रखिएगा जब तक आपके वेरिएबल सेम ना हो आप बिल्कुल भी उसे टच मत करिएगा अब देखिए इसके पास वेरिएबल है इसके पास वेरिएबल है ही नहीं तो ये आपका आंसर है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यूनिट्स ये आपका आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर अ क्यूब इज थ्री डायमेंशनल फिगर भाई क्यूब तो थ्री डायमेंशन में ही होता है थ्री डायमेंशन देखिए वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी इसका मतलब होता है क्या है डायमेंशनल का मतलब होता है कि अगर हम इसे देखें देखिए आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं हमें क्या दिख रहा है हमें ये वाला फेस दिख रहा है गिनते चलिएगा वाला साइड दिख रहा है क्या हाँ दिख रहा है टू और क्या दिख रहा है टॉप दिख रहा है बिल्कुल थ्री अब थ्री के अलावा आप बताइए आपको क्या दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है ये अब अब ये मत बोलिएगा कि अंदर वाला दिख तो रहा है तो भाई आपका क्यूबाइड एक सॉलिड है ठीक है क्या है सॉलिड है सॉलिड में आपको कैसे दिखेगा दिखेगा तो ये सामने वाला ही दिखेगा ये साइड दिखेगा ये टाइप टॉप दिखेगा तो तीन हुई है ना ये ये वाला दिख रहा है क्या साइड नहीं दिख रहा है इस साइड को देखने के लिए हमें यहाँ खड़ा होना पड़ेगा स्टैंड होना पड़ेगा पीछे साइड वाले वाल को देखना है तो पीछे साइड स्टैंड होना पड़ेगा नीचे साइड देखना है तो इसको पलटना पड़ेगा क्लियर सिंपल तो तीन फेस हमें नहीं दिख रहे हैं कौन कौन से बैक वन टू और नीचे थ्री और कितने दिख रहे हैं वन टू थ्री तो कितने फेस हुए थ्री दिख रहे हैं और थ्री नहीं दिख रहे हैं तो थ्री प्लस थ्री सिक्स तो देखिए लिखा है इट हैज फेस है कि नहीं बस बताइए कितने फेस फेस हैं ठीक है ऑल द देम सॉरी ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर और ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है क्यूब जो बनता है वो स्क्वायर से बनता है और क्यूबाइड जो बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है एक कॉमन सी बात है द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज गिवन बाय ए और इन सभी के साइड जो है वो ए है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टोटल लेंथ टोटल लेंथ मतलब अभी हमने क्या बताया सबसे पहले कि दसम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ साइड इज कॉल्ड पेरिमीटर। पेरिमीटर ही तो पूछ रहा है दे दीजिए चलिए करते हैं ठीक है पहले क्यूब तो बना लें क्यूब कैसे बनेगा एक स्क्वायर से ऐसा दिखे कि एकदम इक्वल ही हो ये आपका फर्स्ट सेम दिख रहा है अब देखिए कैसे बनाना है इसके बीच से एक लाइन ड्रा करिए ये हो गया इसको इधर लेके जाइए ये हो गया इसको भी इधर ले आइए और इससे ज्वाइन कर दीजिए ये हो गया ये हो गया और सभी कॉर्नर एज को ऐड कर दीजिए बन गया आपका क्यूब ठीक है सभी साइड्स क्या हैं ए है तो भाई उसमें थ्री दिए हैं हमने आपसे क्या बताया था सभी स्क्वायर से बने हैं तो सभी साइड्स क्या होंगे ए ए होंगे आप बिल्कुल नहीं मतू किए ना ही आप डायग्राम देखिए हर जगह आप ए ए भर दीजिए जो जो साइड आपको दिख रहा है ठीक है अब ये मत सोचिएगा कि काउंटिंग हो गया अगर हम यही ए को काउंट करें कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दो अभी छिपे हैं अब देखिएगा ऐसा नहीं है कि हम पहले से लर्न करके बैठे हैं ध्यान से देखिएगा ये प्लेट आपको दिख रहा है अंदर फोर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ऐड करना अंदर का प्लेट दिख रहा है स्क्वायर है चलिए इसको बस बना लेते हैं जो अंदर दिख रहा है क्योंकि पैरामीटर भी लिख लें, लेंटर ऑफ क्यूब इक्वल टू अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल दिख रहा है ये साइड इसका क्या ए ये साइड क्या ए ये साइड क्या ए और ये साइड क्या ए इतना क्लियर हुआ कितने ए आपको दिखे फोर इन सब को ऐड कर लीजिए भैया हमें सभी कॉर्नर ऐड करना है ना ये चारों हो गए ठीक अब ये सोचिए ये बॉक्स का ये वाले हिस्से को जैसे हम शूज़ के बॉक्स होते हैं ना बैंगल्स के बॉक्स होते हैं ठीक है जो बॉक्स आते हैं इसमें हम कार्टून बोल दीजिए कार्टून ही तो है अब ये वाले हिस्से को अगर हम तोड़ें ऐसे पूरा तोड़ के नीचे गिरा दें ये वाले हिस्से को तो ये नीचे आएगा ऐसे आएगा नहीं आएगा सिर्फ इतना बस बताइए आएगा बिल्कुल आएगा लेकिन ये तो वही रहेगा ना ये देखिए ये तो पहले से लिखा हुआ और हम इसको काउंट कर चुके हैं तो जब ये नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा ये, 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 ये है ये 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 हो गया वाला जो है है हाँ है और ये वाला जो है ऊपर ए वो ये है तो कितने एक्स्ट्रा है थ्री ए ए कितने आए वन टू थ्री क्योंकि ये हो चुका है इसमें तो थ्री और लिखिए हो गए थ्री तो श्योर है इसे भी हम तोड़ेंगे तो कितने निकलेंगे थ्री ही निकलेंगे थ्री और ऐड करिए इसे भी आप तोड़ेंगे तो कितने निकलेंगे थ्री ही निकलेंगे उसे भी ऐड करिए इसे आप तोड़ के नीचे गिराएंगे तो कितने निकलेंगे थ्री ही निकलेंगे लेकिन ये वाले हम जब तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक बात ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें जा चुका है चला गया है नहीं चला गया तो ये ए इसमें काउंट हो गया है ये भी याद रखिएगा ठीक है और ये जब पैटर्न हम उधर तोड़े हैं तो ये वाला भी काउंट हो चुका है तो इसमें आपके टू जाएंगे देखिए तो माफ कीजिएगा हमने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है ये फोर नीचे के थे ठीक है इसे हमने ब्रेक किया तो ये तीनों आए एकदम राइट यहां तक एकदम राइट है नो no डाउट इतना क्लियर हुआ ठीक जब हम इसे ब्रेक करेंगे इस इस वाले पैटर्न को तो ये तो काउंट हो चुका है ना तो इसमें बचा क्या ये भी काउंट हो चुका है ये कोना है देखिए और ये कॉर्नर इसमें जा चुका है तो इधर हमें क्या दिखेगा ये वाला दिखेगा ये और ये ये दो दिखेंगे ये और ये क्योंकि ये वाला हिस्सा इससे ज्वाइंट है तो ए और ए तो हमें इसमें दो ही लिखने थे अब श्योर है जब हम इसमें जाएंगे ये वाले को ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो ये हो चुका है कि नहीं हुआ ये वाला इसमें आ गया ये ये देखिए आ गया तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो कौन सा हिस्सा आ रहा है ये और ये कैसे दिखेगा ऐसे और ऐसे जैसे ये देखिए ये दिख रहा है तो यहां पे क्या है ए और ये तो इसमें भी टू आए अब इसे तोड़ेंगे इधर वाले को तो ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है तो बचे क्या ये गया सिंपल यही बस बचा ना क्योंकि नीचे वाला तो ऑलरेडी हो चुका है तो एक सिंगल ए बचेगा अब आप काउंट कर लीजिए फोर ए थ्री टू और ये टू और ये वन ऐड करके देख लीजिए फोर थ्री सेवन टू नाइन टू इलेवन वन यूनिट्स ये आपका आंसर है तो हमने इसे प्रैक्टिकल आपको बता दिया आप इसे लाइन से भी कर सकते हैं फाइव द डायमी ऑफ सर्कल इज अं टू पॉइंट देखिए इसमें आपको क्लियर नहीं होगा इस डायग्राम को छोड़ दीजिए आप हम जो बना रहे हैं उसको देखिए द डायमीटर ऑफ सर्कल इज अथ ज्वाइंट टू पॉइंट तो भाई डायमीटर किसको बोलते हैं फिफ्थ नंबर है तो हम एक सर्कल ड्रा करते हैं ये हो गया आपका सर्कल और सर्कल में इस पॉइंट से कहीं पे भी टच कर दीजिए एक लाइन आप ड्रा कर दीजिए ये हमने ड्रा कर दिया इतना आपको समझ में आया अब इसी लाइन को जो ये पॉइंट है इसी सेंटर ऑफ सर्कल से पास होते हुए इसको हम क्या बोलेंगे रेडियस क्या बोलेंगे रेडियस ठीक है और इसी रेडियस में हम इस सेंटर ऑफ सर्कल से नहीं रुक रहे हैं और आगे चले गए तो ये क्या कहलाएगा डायमीटर पूरा मतलब कहने का मीन है रेडियस होता क्या है जो सेंटर ऑफ सर्कल से हम कहीं पे भी टच करते हैं उसे क्या बोलते हैं रेडियस ऐसे चाहे आप जितनी भी लाइन ड्रा कर लें सब रेडियस अरे साइकिल का स्पोक साइकिल तो आप देखे होंगे ना साइकिल का जो पहिए में जो स्पोक लगे होते हैं वो रेडियस ही तो है तो अगर हाँ, इसमें देखिए कोई लाइन स्ट्रेट नहीं दिख रही है। यही बस दिख रही है तो ये डायमीटर कहलाई तो डायमीटर मतलब क्या है दो रेडियस को ज्वाइंट करने से बनता है क्या बनता है डायमीटर अब ये ये पॉइंट से ये भी तो रेडियस है ना दो रेडियस आपको मिल गए अब इन दोनों को हम ऐड कर दें अगर तो उसे हम क्या बोलते हैं डायमीटर क्या बोलते हैं डायमीटर सिंपल तो फिफ्थ नंबर में हमें क्या करना है पासिस थ्रो सेंटर ऑफ सर्कल इन द ज्वाइंट फिगर जैसा कि ये दिया हुआ है ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल और सी इज द सेंटर चलिए भाई इसी के अनुसार लिख लेते हैं ये ए हो गया ये बी और सेंटर ऑफ सर्कल को सी बना दिया ठीक है एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल तो हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ सर्कल तो ठीक है ले लीजिए डायमीटर ऑफ सर्कल डायमीटर ऑफ सर्कल तो हमने अभी आपको क्या बताया कि रेडियस एक पॉइंट से अगर अनदर पॉइंट सर्कल के किसी एक अनदर पॉइंट में टच हो रही है विथ सेंटर ऑफ सर्कल तभी हम उसे डायमीटर बोलेंगे आप सोचेंगे कि मैं यहां से ड्रा कर दूं और ये आपका डायमीटर होगा नो तो हम इसे क्या बोलते हैं कार्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं कार्ड ये कार्ड का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है लेकिन सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल से उसे जाना ही पड़ेगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे डायमीटर और याद कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है डायमीटर होता है तो चलिए डायमीटर ऑफ सर्कल तो हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहे हैं ए बी तक तो ए बी भाई ए बी क्या हो गया डायमीटर ऑफ सर्कल अब ए बी जब हम जा रहे थे तो रास्ते में क्या क्या मिले ए से हम चले तो सी मिला अब फिर सी से चले तो बी तक तो दोनों का ऐड करेंगे तभी तो हम ए बी बोलेंगे ना भाई आप यहां से चले दो किलोमीटर फिर यहां से आप थ्री किलोमीटर चले तो हम आपसे पूछेंगे ना कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया तो आप क्या बोलेंगे टू प्लस थ्री फाइव तो वैसे ही एसी, एसी क्या है आर और सी बी सी से बी क्या है वो भी आर और जब हम रेडी वेरिएबल ऐड करते हैं तो उनके कॉफी से होते हैं। टू आर यूनिट्स ये हुआ आपका डायमीटर और डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं डी से ये भी याद रखिएगा यूनिट्स ये आपका आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक आपके बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई इट हैज बीन स्टेब्लिश दैट द रेशियो ऑफ सरकम फ्रेंस ऑफ सर्कल रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन तो चलिए सिक्स नंबर भी लिखते भी चलें तो ज्यादा बेस्ट होगा हमने ये रेशियो किया रेशियो का मतलब क्या होता है जैसे हमने बोला ए रेशियो बी अपॉन में जैसे लिखते हैं इसे रेशियो ये रेशियो का है तो सबसे पहले क्या बोला गया सरकम ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल और रेशियो का सिंबल ये क्लियर आगे क्या है सरकम ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर ठीक है ये डायमीटर तो अभी हमने आपसे यहां पढ़ा तो ये हुआ आपका डायमीटर चलिए इसे सॉल्व करते हैं और साथ में क्या दिया है इज़ इक्वल टू पाई पाई अब देखते हैं ये अभी हमने पैरिमीटर आपको पढ़ाया तो भाई सरकम फेरेंस को आप सरकम फेरेंस बोलिए या पेरीमीटर बोलिए दोनों एक ही बात है दोनों एक ही बात है बिल्कुल भी किसी के क्वेश्चन uh, मार्क मत सोचिएगा अपने माइंड में कि अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं नहीं पैरामीटर अलग होता है सरकम अलग होता है नो नो दोनों सेम है फर्क इतना है कि पैरामीटर हम जनरली साइडों में यूज करते हैं और सरकम में हम सर्कम फेरेंस बोलते हैं बाकी दोनों सेम नेम है नो डाउट तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इसका फार्मूला होता है टू पाई आर क्या होता है टू पाई आर याद रखिएगा ये राउंड हुआ अगर कोई सर्कल पूरा राउंड होता है ध्यान से समझिएगा पूरा राउंड तो ये बताइए प्रोटेक्टर में प्रोटेक्टर में ये कितना डिग्री होता है प्रोटेक्टर कुछ इसी तरह दिखता है ना यहाँ से जीरो होता है यहाँ कितना होता है वन एट्टी डिग्री होता है नहीं होता अब इसको फिर से अगर हम घुमा दें तो कितना डिग्री हो जाएगा फिर से जीरो से स्टार्ट होगा फिर वन एट्टी तो वन एट्टी वन एट्टी कितना हो गया थ्री सिक्सटी अब थ्री सिक्सटी कितना होता है पाई की जो डिग्री होती है याद रखिएगा कितना होता है वन एट्टी डिग्री कितनी होती है 180 डिग्री अब पूरे सर्कल में कितने डिग्री होता है 360 डिग्री कितना होता है 360 डिग्री ठीक है कितना होता है 3 क्योंकि 180 इधर 180 इधर तो 180 180 360 ऐड करके भी देख लीजिए 0 88 16 1 रिमाइंडर 1 2 1 3 360 राइट अब पाई की डिग्री कितनी होती है 180 तो भाई इसमें कितने पाई लगेंगे 2 पाई क्योंकि 180 का एक पाई ये देखिए 180 का एक पाई एक और पाई अब पाई और पाई को ऐड करिए वन यहाँ वन तो ये तो क्या हो गया टू पाई अब किसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है सर्कल तो आप वो लेते हैं ना राउंडर राउंडर को ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं तो ये जो फेस होता है ए, उसका निडिल का और पेंसिल का उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं कि नहीं बोलते रेडियस बोलते हैं तो किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है रेडियस तो इसीलिए इसको बोला जाता है टू पाई आर टू पाई यानी थ्री सिक्सटी और किसके अकॉर्डिंग विध रिस्पेक्ट टू रेडियस अपॉन डायमीटर और डायमीटर आपके नी, इसके नीचे आ गया आ गया और हमें यह बताना है कांस्टेंट इसका पाई आएगा कैसे देखते हैं टू पाई आर ठीक है और डायमीटर अभी आपके सामने ये देखिए डायमीटर का फार्मूला क्या बना टू आर होता है है कि नहीं तो आप यहां टू आर कर दीजिए क्यों क्योंकि डायमीटर इक्वल टू डबल रेडियस तो टू से टू कैंसिल आर से आर कैंसिल तो हमें रिजल्ट क्या मिला पाई यही तो हमें प्रूफ करना था ये देखिए कांस्टेंट इक्वल पाई इफ द रेडियस ऑफ सर्कल आर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो अभी हमने यहां पे प्रूव भी कर दिया सर्कम ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है सर्कम ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर ठीक है ये हो गया नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन मल्टीप्लाई 17 इंटू वन हंड्रेड फाइव बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी तो भाई डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये तो जान ठीक है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई एक नंबर अगर वेरिएबल आउटसाइड है इसका हमको इंटू करना है बी प्लस सी के साथ तो कैसे करेंगे का पहले बी में करेंगे फिर एक का किस में करेंगे सी में तो का बी में इंटू करिए तो इंटू कभी नहीं होंगे इस पास में आके ऐसे चिपक जाएंगे अभी हमने ऐड को बताया कि ऐड तभी होंगे जो सेम वेरिएबल होंगे और मल्टीप्लाई भी सेम वेरिएबल का ही होता है अगर दोनों वेरिएबल अलग हैं तो ऐसे देखिए चिपक जाएंगे देखिए चिपक गए अब बीच में कौन सा आइन है प्लस एक अस्सी में करेंगे दोनों अलग है कि नहीं है ये आपके हो गए तो हमने आपके फार्मूले को ही प्रूव कर दिया ये देखिए यही है ना अब हमें किसका इंटू करना है सेवनटीन इंटू वन हंड्रेड फाइव अब क्वेश्चन है हमारे पास सेवेंटीन इंटू वन हंड्रेड फाइव तो इसको हमें इसमें अप्लाई करना है तो गोड्स देखिए ए तो है हमारे पास बाहर है कि नहीं बी प्लस सी चाहिए और यहाँ पे देखिए वन हंड्रेड फाइव है इसे हमें प्लस फॉर्म पे चाहिए ये तो हम क्या लिख सकते हैं इसे सेवनटीन इंटू वन हंड्रेड फाइव को क्या मैं हंड्रेड प्लस फाइव लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम हंड्रेड प्लस फाइव वन हंड्रेड फाइव ही होता है लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखिए लेट ए के प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है सेवनटीन पहले फिर बी के प्लेस पे बी अंदर है ब्रैकेट के अंदर तो ये ब्रैकेट के अंदर हंड्रेड अब सी के प्लेस पे क्या दिख रहा है फाइव इसको इसमें पुट कर दीजिए चलिए पुट करते हैं ए के प्लेस पे सेवनटीन बी के प्लेस पे हंड्रेड सी प्लेस पे फाइव चलिए भी पुट करिए के प्लेस पे 17, B के प्लेस पे हंड्रेड वैसे वहां देखने की जरूरत नहीं है यहीं से आपको मिल जाएंगे ए के प्लेस पे तो देखिए सेवनटीन है सी के प्लेस पे फाइव यहां फाइव कर लीजिए सेवनटीन में वन का इंटू करिए सेवनटीन वन जाए सेवनटीन और डबल जीरो को यहाँ पे कर दीजिए सेवनटीन फाइव जा एट्टी फाइव आई थिंक सो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया सेवनटीन ऐड करेंगे तो फाइव जीरो फाइव एट जीरो एट तो हमने इसे और आगे तक कर दिया ये आपका फाइनल आंसर है लेकिन एग्जैक्ट आपका आंसर यहीं तक था अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए आपके लिए हमने सॉल्व भी करके आपको दे दिया क्लियर चलिए ठीक है एट नंबर देखते हैं वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेल एडिशन फॉर द नंबर थर्टीन सेवन फाइव चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों के लिए तो यहां पे हम कर लेते हैं एड add, एडिशन और इधर कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं नहीं तो एडिशन में क्या होता है ए प्लस बी पहले दो नंबरों को ऐड कर लीजिए बाद में सी को ऐड करिए एक कॉमन सी बात है अगर हम आपसे बोले कि टू प्लस थ्री प्लस फाइव को ऐड करिए तो आप एक साथ थोड़ी ऐड कर सकते हैं कि टू थ्री फाइव ये टेन ऐसा थोड़ी कोई बोल देता है पहले आप फाइव थ्री को ऐड करेंगे फिर उसके बाद टू करते हैं अपने ब्रेन से भी पूछ लीजिए आपको आंसर वही मिलेगा तो सिंपल सी बात है या तो फिर देखिए मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं टू तो प्लस थ्री उसके बाद आप फाइव को बाद में ऐड कर रहे हैं और आपका ही फ्रेंड थ्री प्लस फाइव को ऐड कर रहा है जैसे हमसे ही पूछिए हम तो फाइव थ्री ऐड करते और आप कैसे कर रहे हैं टू तो प्लस थ्री तो दो रास्ते हुए कि नहीं हुए सिंपल सी बात होते तीन रास्ते हैं कोई अगर फाइव और टू ऐड कर दे तो बाद में थ्री ऐड करे ये भी तो हो सकता है तो दो ही तरीके यहाँ पे बताए गए हैं तो एक तो शुरू में आप ऐड कर लीजिए फर्स्ट के दो नंबर या तो आप फर्स्ट नंबर को छोड़ के पीछे वाले दो नंबरों को ऐड कर लीजिए यह आपका एडिशन कहलाया चलिए वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट में टू है टू नहीं है भाई थर्टीन है ये नंबर है इसको हटा दीजिए थर्टीन प्लस सेवन और प्लस फाइव देखिए थर्टीन ए के प्लेस पे है प्लस सेवन प्लस फाइव अब देखिए कोई थर्टीन सेवन ऐड कर रहा है पहले बाद में फाइव को ऐड कर रहा है और कोई सेवन और फाइव को पहले ऐड कर रहा है बाद में थर्टीन को ऐड कर रहा है तो ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव इजक्वल टू थर्टीन ट्वेंटी फाइव आपका प्रूफ हुआ दोनों इक्वल आ गए अब चलिए मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग भी देखते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही प्रॉपर्टी क्यों होती है साथ में भी आपको शेयर कर देंगे तो बस ये प्लस के प्लेस पे इनटू कर दीजिए देखिए सिर्फ इनटू है प्लस की जगह में बाकी सबसे तो अब थर्टीन को इसमें छोड़ दिया गया सेवन इंटू फाइव ठीक है थर्टीन सेवन जा नाइन्टी वन इंटू फाइव और इधर आप देखें क्योंकि ब्रैकेट बॉर्ड मास बॉर्ड मास मत भूलिएगा बॉर्ड मास हर जगह लगता है सेवन फाइव जा थर्टी फाइव चलिए फाइव वन जा फाइव फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव फोर फाइव फाइव थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव सिक्सटी माइन थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन थर्टी नाइन सिक्स फोर्टी फाइव दोनों सेम आ गए सो प्रूफ अब हम ये बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी प्लस और माइनस ए इन टू की ही क्यों होती है डिवाइड और सब की क्यों नहीं होती देखिए दोनों सब सेम है अब यहीं पे हम अगर बात करें थ्री माइनस टू क्या होता है तो आप बोलेंगे वन अब इसको अपोजिट करिए टू माइनस थ्री तो आप बोलेंगे वन नहीं बोल सकते तो माइनस वन क्या ये दोनों सेम है नहीं है अगर हम इसे अपोजिट करें तो नहीं होता इसलिए सब ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती अब बताइए टेन डिवाइड टू कितना होता है फाइव टू फाइव जै टेन लेकिन टू डिवाइड टेन तो जीरो पॉइंट टू क्या दोनों इक्वल हैं इसलिए डिवाइड की नहीं होती और ना ही सब्ट्रैक्शन की यही दोनों की प्रॉपर्टी होती चाहे हम इधर से इंटू करें चाहे इधर से इंटू करें चाहे इधर से प्लस करें चाहे इधर से प्लस करें इक्वल ही आएगा नौ क्वेश्चन नंबर नाइन राइट द जनरल रूल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर जैसे टू थ्री फाइव एट नाइन जितने भी नंबर आप डेसिमल नहीं ले सकते होल नंबर में पॉइंट थ्री नहीं बोल सकते कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखिए मल्टीप्लीकेशन है बस मल्टीप्लीकेशन एडिशन होगा तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है कम्युनिकेटिव में दो नंबर आप ले सकते हैं जैसे हमने ले लिया ए एंड बी तो चाहे आप मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग है ना मल्टीप्लाई चाहे आप ए में बी को इंटू करिए चाहे बी में ए को इंटू करिए दोनों रिजल्ट सेम होंगे ये दोनों होल नंबर वेयर ए एंड बी आर होल नंबर होल नंबर अब आप ये बताइए मान लीजिए ए के प्लेस पे हमने थ्री लिया बी के प्लेस पे टू ले लिया और यहाँ बी के प्लेस पे बी के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है टू और ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है थ्री में थ्री का इंटू करिए थ्री में टू का करिए चाहे टू में थ्री रिजल्ट क्या आ रहा है सिक्स तो दोनों इक्वल हुई ना तो इसे कम्युनिकेटिव बोलते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अब भी तो पढ़े हैं ये एसोसिएटिव एडिशन सो एसोसी प्रॉपर्टी थ्री वेरिएबल्स किसके अकॉर्डिंग बताना है मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई ही रहन दीजिए तो थ्री वेरिएबल अब भी तो आपने एक्सप्लेन हमने एक्सप्लेन भी किया ए क्रॉस बी और सी को आउटसाइड कर दीजिए ऐसा नहीं कि आप इसको पहले लिखिए तभी सही होगा ऐसा कुछ नहीं है वेयर ए बी एंड सी आर होल नंबर और इसका प्रैक्टिकल देने की तो जरूरत ही नहीं है अब भी आपने देखा है नाउ थर्ड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी अब भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूट ये इसी को लिख दीजिए ना सीधे आप मार्टिजन राइट फ्रॉम राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यही तो है आपका आंसर कोई चेंज थोड़ी करना है तो थर्ड हुआ आपका ए क्रॉस बी प्लस सी इजक्वल टू इंटू कर दीजिए ए में बी का ए इंटू बी प्लस ए में सी का ए इंटू सी इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी सिंपल ए और बी एंड सी वो सभी होल नंबर है ठीक है इनटू देख लीजिए ए में बी का फिर ए में सी का इसे क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी चलिए कंप्लीट हुआ नाइन नाउ क्वेश्चन नंबर टेन असरसन इजर बेस्ड क्वेश्चन तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है पहले हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लें असरसन दिया क्या है फर्स्ट है फॉर एन आइसोसेलस ट्राइंगल आइसोसेल विच इक्वल कितने साइड्स आर इक्वल टू साइड्स ठीक है भाई ये दो साइड्स हमने इक्वल ले लिया ये दो साइड्स इक्वल हो गए पैरामीटर टू ए प्लस बी ठीक है वो टू ए प्लस बी क्यों हुआ क्योंकि ये ए ए होगा बेस आपका बी होगा अब पैरामीटर निकालिए सब साइड को ऐड करिए तो ए प्लस ए प्लस बी तो ए और ए ऐड हो गया तो टू ए प्लस बी चलिए इतना क्लियर हो गया वेयर ए इज़ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स जो हमने पहले ही आपको समझा दिया ये दोनों साइड जो इक्वल हैं वो ए ए है एंड बी इज द बेस्ड होगा और क्या ये हमने बेस्ड कर दिया मतलब सॉल्व करने से पहले ही हमने एक्सप्लेन कर दिया अब रीजन आर दिया है ऑल इक्टर ट्रेंगल ऑल इक्टेटर ट्रैगल ये हो गया जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं आर आइसोसेलस बिल्कुल गलत भाई इक्वेटर ट्रैंगल आइसोसेलस कैसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता इसमें तो दो ही साइड्स इक्वल होते हैं थर्ड तो नहीं होता भाई ये तो अलग होते हैं तो बिल्कुल ये मैच नहीं करता बट ऑल आइसोसेलस ट्रेंगल आर नॉट इक्वल नो नो हाँ ये सही है ये बिल्कुल सही है लेकिन ये रॉन्ग है तो मतलब ए हमारा सही है आर आपका रॉन्ग है तो देखिए किसमें है बहुत असरसन ए एंड रीजन आर आर करेक्ट स्टेटमेंट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल ये राइट है लेकिन दूसरा नहीं बताया आर को भी ये राइट बोल दिया तो ये गलत है बहुत असर ए एंड रीजन आर द करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ये राइट है आप कभी बी क्यों क्योंकि ए आपका सही है लेकिन राइट right है करेक्ट स्टेटमेंट लेकिन आर जो है सेकेंड वो रॉन्ग है क्लियर हो गया तो चलिए आपका ये कंप्लीट हुआ मतलब टेन का आंसर हुआ बी क्योंकि सी और इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए करेक्ट बोला है आर को बोल रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं भाई एक सही है एक गलत है सेकेंड ए रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट आपका सेकेंड सही है बस बी सो so, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ थैंक यू अ नाइस डे